हेलो दोस्तों, नया वीडियो मैंने अपलोड किया है। इसमें हम बेसिक्स ऑफ HVAC में ही अभी चल रहे हैं। ह्यूमन कंफर्ट और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए ह्यूमन कंफर्ट के बारे में जानते हैं कि क्या होता है ह्यूमन कंफर्ट। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था आपको, ह्यूमन कंफर्ट के लिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और एज पर ISRAE और ISRAE स्टैंडर्ड हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखते हैं 50 to 60%। ह्यूमन कंफर्ट का डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज ए कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंफर्ट। ह्यूमन्स जनरली फील्स कंफर्टेबल बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 50 to 60%। फर्स्ट कूल द एयर टू 40 डिग्री सेल्सियस, दिस रिमूव सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द एयर एंड देन हीट द एयर टू 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये देख रहे हैं, ये बंदा ह्यूमन कंफर्ट पोजिशन में बैठा हुआ है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। 25 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल्ड है। दैट्स वाई ये ही सिटिंग फाइन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र जानने से पहले हम जानते हैं कि हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। तो हीट जो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ फ्लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते होंगे कि अभी गर्मी के दिनों में इन समर एम्बियंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है और रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आप विंडो खोलते हैं, विंडो ओपन करने के टाइम आपको फील होता होगा कि बाहर का गर्म हवा बहुत तेज़ी से अंदर आ जाता है। तो यही है इसका एग्जांपल कि हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफ़र होता है हीट। और हीट जो होता है इसके तीन टाइप्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहाँ लिखा हुआ है देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, नेमली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एंड जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का एग्जाम्पल है ये। तो कंडक्शन ये भी हीट ट्रांसफ़र का मोड है, और इसमें क्या होता है, बॉडी टू बॉडी हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि आप एक मेटल को गर्म कर रहे हैं, तो मेटल को गर्म करने से क्या होता है कि उसका एक सिरे को अगर गर्म करते हैं तो मेटल में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स वो मिलके बने होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को गर्म करता है, फिर दूसरा तीसरे को गर्म करता है, फिर तीसरा चौथे को गर्म करता है। इस तरीके से एक तरफ से, एक हिस्से से, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो मेटल गर्म हो जाता है। अगर आयरन जैसे लोहा को ले लो फॉर एग्जांपल, अगर गैस पे अगर एक तरफ गर्म करते हो तो दूसरा तरफ खुद ब खुद गर्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो ये कंडक्शन का एग्जांपल है। कंडक्शन रेफर टू द हीट ट्रांसफर दैट ऑकर अक्रॉस द मीडियम। अब मीडियम कैन बी सॉलिड और फ्लूइड, ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड आयरन का एग्जाम्पल जैसा मैंने दिया है। और नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन रेफर्स टू द हीट ट्रांसफर डेट विल ऑकर बिटवीन ए सरफेस एंड ए मूविंग फ्लूड वेन दे आर आर डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कन्वेक्शन जो हमेशा लिक्विड में होता है, फ्लूड में। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी पानी गर्म करते हो, तो पानी गर्म करने से क्या होता है कि वो सरफेस जो गैस के फ्लेम से सटा होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं, छोटे छोटे वाटर वेपर बनने लगते हैं। वो वेपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं, जैसे जैसे गर्म होने के बाद जैसे वो ऊपर आता है, तो वो जो भी उसके संपर्क में जो भी वाटर का मॉलिक्यूल आता है, तो ठंडा मॉलिक्यूल जैसे उसके साथ अटैच होता है, वो भी गर्म हो जाता है। इस तरीके से हमारा कन्वेक्शन काम करता है। और नेक्स्ट आता है रेडिएशन। इन रेडिएशन, इन द सेंस ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, देयर इज ए नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सरफेसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन का।
गर्मी के दिनों में आप देखते होगे सन कितना हॉट रहता है, 45 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस उसका हॉटनेस हमारे ग्राउंड पे पहुंचता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे कि एक रॉड रख देंगे, आयरन मेटालिक जो रॉड होता है वो, और एक बाल्टी में पानी वाटर भर के रख देंगे। तो आप जैसे देखेंगे कि टेम्परेचर से वो हमारा मेटल गर्म हो जाता है। अगर एक मेटल को ऐसा भी रखें कि आधा पार्ट उसका किसी ठंडे एरिया में रखें और आधा पार्ट सनलाइट में रख दें, तो अगर एक तरफ भी गर्म होता है तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, बिकॉज इट इज़ ट्रांसफर बाई मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। सो रेडिएशन इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं भी यहाँ सीख रहा हूँ अभी, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा ही वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।